शंकराचार्य मध्वामस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरुपरंपरा श्रुति श्रुति पुराणा करुणा भवान शंकर लोक शंकर शंकर शंकराचार्य केशव बादरायण सूत्रभाष्य वंदे भगवंत पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद् व्याप्तिरिहा दक्षिणामूर्तये श्रीचिद्घन गणेशाय नमो यं सुकन्नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृप्यते विद्यं प्रत्येक परमः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यत् मे निश्चितामतिः। ठीक है, तो 52 52 अंक में कहते हैं पामर विषयिणो हो लक्षणम। यहाँ पे क्या है कि यकार यहाँ पे त्रुटि है, ये हटा दीजिए। पामर विषयिणो और लक्षणम, पामर और विषयिणी जो है उनके लक्षण बता रहे कि कौन है ये पामर, कौन है, कौन विषयी है। तो कहते हैं यत्तु उक्तम सर्वे अपि विषय सुखासक्ता एव। पहले बताया था कि ये विषय की सुख की अपेक्षा करते, ब्रह्म सुख की अपेक्षा कोई नहीं करते। तो वहां पे उस संदर्भ में उस दोष का आक्षेप का निवारण कर दिया, उसका उत्तर तो दे दिया, किंतु संदर्भ से प्राप्त है कि विषय के सुख की जो अपेक्षा रखते हैं उनमें और बाकियों में क्या भेद है। तो बताते हैं यत्तु उक्तम सर्वे अपि विषय सुखासक्ता एव, कि सभी आसक्त किसमें आसक्त है, माने आसक्ति किसमें, विषय सुख में है। विषय से जन्य जो सुख है उसी उसी में आसक्ति होती है, इच्छा होती है सबकी। ऐसे जो कहा न कोपी नित्य निरतिशय सुखम वांछती थी तन्न, और कोई कोई भी ऐसा नहीं है जो नित्य निरतिशय सुख, माने कैसा, ब्रह्म का जो सुख है जो नित्य है और निरतिशय, निरतिशय माने इससे अधिक कुछ नहीं है, ऐसे सुख की इच्छा न कोपी वांछती, कोई भी इच्छा नहीं करता ऐसी, न इच्छती थी तन्न, ये सच नहीं है। कहते हैं सिद्धांती कहते हैं ऐसा नहीं है। पामरह विषयी जिज्ञासु मुक्तश्च इति लोके चतुर्विधाः पुरुषा। तो लोगों में भेद करते हैं, आप जो सभी सर्वे करके कह रहे हैं उन सब में चार प्रकार के लोग हैं। कैसे लोग हैं, पामर है, विषयी है, जिज्ञासु है और मुक्त है, ऐसे चार प्रकार के पुरुष होते हैं, लोग होते हैं। तो चतुर्विधा पुरुषा तत्र, उसमें भी पामर कौन है, विषयी कौन है, ये यहां समझा रहे हैं। आगे जिज्ञासु और मुक्तः समझाएंगे। तो कहते हैं तत्र विहित प्रतिषिद्धेषु ऐहिक विषय भोगेशु आसक्त सन शास्त्रीय संस्कार शून्य यह स पामर। तो पामर कौन है, विहित जो शास्त्र में विहित है कि ये करो, ये काम करना चाहिए, धर्मशास्त्र में कहा है कि ये करना चाहिए। और क्या है कि प्रतिषेध, प्रतिषेध क्या है कि हिंसा मत करो। तो ऐसे विहित और प्रतिषिद्धेशु ऐहिक विषय भोगेशु, जो ऐहिक है, ऐहिक माने यह से संबंध रखने वाले, माने यहाँ यहाँ जो है इस लोक में जो है वो ऐहिक हो गए, ऐहिक जो है विषय है, उनके भोग में भोगेशु जो आसक्त सन, सन माने शतरंज पद है, माने होता हुआ, उसमें आसक्ति रखते हुए जो व्यक्ति विहित प्रतिषिद्ध जो है, कौन से है, विहित प्रतिषिद्ध है, क्या है, विषय भोग, कि ऐसा विषय भोग करे, ऐसा विषय भोग ना करे, ऐसे श्रुति में जो कहा है। तो ये विहित जो विषय भोग है और प्रतिषिद्ध जो विषय भोग है, जो ऐहिक है यहां पर है, इसमें आसक्ति रखते हुए कभी कभी क्या है कि विहित है कि ये खाएं ये नहीं खाएं, प्रतिषिद्ध है ये मत खाएं, किंतु क्या दोनों में आसक्ति, उसे ये कहा है ये खाओ तो इसीलिए खा रहा हूं, प्रतिषिद्ध है पर रहा नहीं जाता है, खा रहा हूं, ऐसे है तो खाने की बात नहीं है, कोई भी भोग। तो उसमें आसक्त होता हुआ शास्त्रीय संस्कार शून्य, शास्त्र का संस्कार ही नहीं उसको, किसी ने कह दिया है ये विहित है ये प्रतिषिद्ध है, ठीक है होगा, तो क्या है फिर भी क्या है कि ये कर रहा है, तो क्या है वैसा जो शास्त्रीय संस्कार से शून्य वर्जित है वह पामर है, जो नहीं जानता, पर क्या है कि जो शास्त्र जानता है वो देख रहा है, वो क्या देख रहा है, ये पामर है। क्यों पामर है, शास्त्र नहीं जानता, विहित और प्रतिषिद्ध
जो है वो विषय भोग यहाँ जो है उसमें आसक्ति इसको है, वैसे व्यक्ति को पामर कहेंगे। और विषय ही कौन है? शास्त्रानुसारी विषय भोगान भुंजान सन यह अमुत्र अर्थ फल भोग अवाप्तये कर्म पुर्वाण विषय। जो शास्त्र को जानता है और शास्त्र से जो विहित है वो कर्म कर रहा है शास्त्र अनुसार विषय भोग, कि शास्त्र में ऐसे विषय भोग करें। कौन से विषय भोग? यहाँ हो या कहीं स्वर्ग का, तो स्वर्ग का भोग भी शास्त्र में दिया हुआ है कि स्वर्ग का उसके लिए क्या साधन है वो शास्त्र बता रहा है। उसमें जो आसक्ति रखता है शास्त्र विहित कर्म से जो प्राप्त होना चाहिए, हो सकता है प्राप्त हो सकता है, उसमें जो आसक्ति रखता है वो यहाँ पर भी हो सकता है। जैसे कहा गया है कि जैसे कि मंत्र याद नहीं, पर 100 वर्ष के आयुष्य के 100 वर्ष का आयुष्य ईशावास्य में आता है। पहला मंत्र क्या है? मुक्त के लिए। दूसरा मंत्र क्या है? वो कर्म के लिए कि 100 वर्ष जिए और कैसे जिए? कर्म करते हुए जिए। तो कर्म करते हुए 100 वर्ष जिए ये शास्त्र में विधि है। और किस विषय के लिए? अभी आगे या तो तैतिरीय में कहा गया है क्या करे गृहस्थ जो है। देखिए चारों आश्रम जो है, चारों आश्रम जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, सन्यास आश्रम, इन चारों में गृहस्थ एक ही है जो घर में रहता है, बाकियों को घर में रहने का अधिकार नहीं है। माने थोड़े समय तक रहे किंतु घर में ही रहने का अधिकार नहीं है। तीनों को नहीं है, बाकी तीनों को, केवल गृहस्थ का। गृहस्थ शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ। और इसमें स्वामी परमार्थन जी विनोद के लिए कहते हैं कि गृह ऋकार और रेफ में बहुत लोग अंतर नहीं कर पाते, तो क्या कहते हैं? गृह नहीं कह पाते, ग्रह कहते हैं। अभी ग्रह कहेंगे, ग्रह माने क्या कि चंद्र ग्रह हो गया, ये ग्रह हो गया, तो ग्रहस्थ, ग्रहस्थ माने कि उस ग्रह पर स्थित है। चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह, पृथ्वी ग्रह, ग्रह पे तो सभी स्थित है, या दूसरे ग्रह पे, ग्रह से ऐसा अर्थ हो जाएगा। तो वैसे नहीं, गृहस्थ, ग्रह माने घर, घर में जो है, तो घर में जो रहता है उसको गृहस्थ कहते हैं। और उसका अर्थ क्या है? व्युत्पत्ति अर्थ नहीं है, उसका अर्थ क्या है? जो जिसने विवाह किया है, जो जिसने विवाह किया है उसको गृहस्थ कहते हैं, वो उसका रूढ़ी अर्थ है। तो जिसने विवाह नहीं किया है, माने विवाह से पहले हो या विवाह नहीं किया है, वो ब्रह्मचारी जो है, या गृहस्थ होकर जिसने घर छोड़ दिया। कहा गया है कि गृहस्थ को पहले पुत्र के प्रपोत्र के, माने पोता अगर पैदा हो गया, पोते का चेहरा देखकर घर छोड़ देना चाहिए, ये वानप्रस्थ है। और वानप्रस्थ जो है, तो अभी देखिए ब्रह्मचर्य को है, ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी को ब्रह्म में जिसका चरण है, आचरण है, ब्रह्म माने वेद, वहां पे ब्रह्म का अर्थ वेद है, तो वेद जो पढ़ता है वहां चर धातु आ गया, चर गत्यर्थक धातु है, तो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य आश्रम जो है उसमें चर धातु है माने चलना, वहां पे भी गत्यर्थक धातु है, वो गृह में नहीं रह सकता, घर में नहीं रह सकता, उपनयन संस्कार के बाद या उसके लिए गुरुकुल चले जाते, पहले की व्यवस्था बता रहा हूं अभी तो छोड़ दीजिए। और वानप्रस्थ में भी क्या है? वहां पे वानप्रस्थ स्था, स्था धातु प्रपूर्वक है, माने जो प्रस्थान करता है, छोड़ देता है, वानप्रस्थ, वान वन की ओर चला जाता है, तो इसीलिए क्या है कि वो भी घर में नहीं रह सकता, वहां पे भी गत्यर्थ का धातु जो है प्रपूर्वक का वानप्रस्थ का प्रकर, तो वो छोड़ देता है, प्रस्थान करता है, इसीलिए वो भी घर में नहीं रह सकता है। संन्यास में तो क्या? न्यास है, न्यास माने त्याग, तो घर त्याग देता है, सब कुछ विषय त्याग देता है, इसीलिए वो भी घर में नहीं रह सकते। तो कौन रहता है? ये स्था गति निवृत्त, स्था धातु जो है गृहस्थ में, स्थ धातु है, स्था धातु है, स्था धातु जो है उसका अर्थ क्या है? धातु पाठ में गति निवृत्त, बाकी तीनों गति गत्यर्थक है, और इस धातु का अर्थ गति निवृत्ति है, गति नहीं है, माने घर में रहता है, तो एक ही है जो घर में रहता है। तो ये जो है ये घर में रहता है, ये स्तंभ है, क्योंकि बाकी जो घर में नहीं रहते उनके लिए वो क्या करेंगे?
उनका आधार जो है ये गृहस्थ है। तो गृहस्थ जो घर में रहता है वो घर में रहकर क्या करे, उसको कहा गया है कि तुम धन संपत्ति बनाओ, जितना हो सकते उतना धार्मिक रूप से धन बनाओ। और वही है जो क्या है कि ब्रह्मचारी क्या और सन्यासी क्या है, भिक्षा पे जीते हैं। वानप्रस्थ जो है वो क्या करते हैं, वो तो क्या है कि वन अगर पास में, उसको भी भिक्षा में अधिकार नहीं है, केवल सन्यासी और ब्रह्मचारी को भिक्षा में अधिकार है। वानप्रस्थी को ये नहीं कहते, भिक्षा में अधिकारी नहीं कहते। तो क्या कहते हैं उसको, तो क्या है कि वन, पहले जो वन थे वन में रह सकते, वन में क्या है कि फल फल इत्यादि से, वनस्पति इत्यादि से रह सकते हैं उसमें, इसलिए उस पर जीवन करते हैं। तो वन में बहुत उपलब्ध है तो उसी पर जिए। इसीलिए क्या है कि जो गृहस्थ है ये ब्रह्मचारी और सन्यासी को आधार बनता है, वो स्तंभ है। इसीलिए क्या है कि उसको कहा गया है कि याग कर कर जो भी अलौकिक का प्रयोग से भी धन धन की प्राप्ति करो, और वही जो है धन धान्य रखे। वानप्रस्थी क्या है कि वन में जब जो मिल जाए उस पर जिए, और बाकी दो क्या है कि ब्रह्मचारी और सन्यासी भिक्षा पे जीते। इसीलिए वो भी क्या है भिक्षा, वो भी भिक्षा का नियम है कि कितने घर में कब करें, ऐसे नहीं कि जितना चाहे लेकर आके इकट्ठा करे और कल भिक्षा के लिए नहीं जाना, आज ही कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक ही है जो इकट्ठा भी कर सकते हैं, जो प्लान कर सकते हैं कल के लिए, परसों के लिए, नरसों के लिए, महीना भर, साल भर, वर्ष भर भी रखकर रखते थे। पहले बोरी भरकर धान्य, बहुत सारी बोरियां रखे रखते थे, क्योंकि दान भी करना है। इसीलिए क्या गृहस्थ एक ही है जो धन संपत्ति इत्यादि करे, उसी को धर्म अर्थ काम ये तीनों में उसको अधिकार है, तीनों में अधिकार है, ज्येष्ठ है उसमें, क्योंकि ये सबसे अधिक उसी के लिए। और वो विवाह भी इसी के लिए करता है कि मैं कर्म कर पाऊं, शास्त्रीय कर्म करूं। इसलिए वो हो गया विषयी, शास्त्र अनुसार ही विषय भोगान भुंजान है सन, कि वैसे शास्त्र के अनुसार भोग करता हुआ, यहाँ पे शानच वर्तमान काल है, भुंजान सन कि भोग करता हुआ, कैसे भोग करता हुआ, विषय विषय भोग करता हुआ, कैसे विषय, जो शास्त्र के अनुसार है, शास्त्र के अनुसार ही विषयों का भोग करता हुआ भुंजान सन, इह अमुत्र अर्थ फल भोग अवाप्त ये कर्म कुर्वाण विषय, वैसे भोग करता हुआ आगे ऐसे भोग मिले, इसीलिए यहां और स्वर्ग इत्यादि अन्य लोक में भी जो अर्थ फल का भोग मिले उसके प्राप्ति के लिए, और आप कहे उसके प्राप्ति के लिए कर्म कर कुर्वाण, कुर्वाण भी शानच प्रत्यंत है, तो ये कर्म कुर्वाण वो वैसा वाला व्यक्ति जो वैसे कर्म कर रहा है, ऐसे भोग करता हुआ, वैसे ही भोग के लिए आगे कर्म करता हुआ जो है वो विषयी हो गया। माने वो पामर नहीं है, उसको शास्त्र का ज्ञान है, जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं, और यहाँ के वो तो परलोक का, तो परलोक पता ही नहीं उसको, ना ही उसका साधन पता है, इसलिए उसके लिए कोई कर्म नहीं कर रहा। जो विहित हो प्रतिषिद्ध हो उसके भोग यहाँ जो है उन विषयों का जो भोग कर रहा है वो पामर है, जो शास्त्र के अनुसार चलता हुआ कर्म कर रहा है और विषयों का भोग कर रहा है वो क्या है, वो विषयी है। ये हो गए दो। बाकी दो में जिज्ञासु आता है, तो जिज्ञासु का लक्षण बताते हैं। जिज्ञासु लक्षणम यस्तु शास्त्रीय उत्तम संस्कार बलात् अध्यात्मादि सच्चास्त्र श्रवणम करोति तस्य वक्षमाण रीत्या विवेको जायते। तो ये शास्त्र का ही कर्म करता हुआ, उपासना करता हुआ, किसी जन्म में क्या है कि पुण्य की प्राप्ति ऐसे हो जाती है कि वो विचार करने लगता है कि ये इसका उद्देश्य क्या है, वस्तुतः क्या उद्देश्य है, क्या मुझे ऐसा सुख मिल रहा है यहाँ या स्वर्ग में, वैसा सुख मिलेगा जो नित्य होगा, निरतिशय होगा। इसीलिए क्या है, जो विचारशील बन जाता है वो जिज्ञासु बनकर ज्ञान की इच्छा करता है। यस्तु शास्त्रीय उत्तम संस्कार बला, ऐसे उत्तम संस्कार होकर जो शास्त्रीय अनुसार, शास्त्र अनुसार जो भोग कर रहा है विषयों भोग, और जो कर्म भी कर रहा है, उपासना कर रहा है, आगे चलकर किसी जन्म में क्या हो जाता है, उत्तम संस्कार प्राप्त हो जाते हैं शास्त्र के, तब जाकर उससे, उसके बल से, उन शास्त्रीय संस्कारों के बल के द्वारा क्या हो जाता है, बल से अध्यात्मादि सच्चास्त्र श्रवण करोति। इसको सच्चास्त्र कहा गया, शास्त्र तो है क्योंकि सच, किंतु सच्चास्त्र क्या है, सत की विद्या देते, ब्रह्म विद्या देते, वो शास्त्र जो है उसको सच्चास्त्र कहेंगे। तो सत्शास्त्र संधि में तकार का चकार हुआ है
और उससे क्या है, षच्चोटी इत्यादि से शकार का छकार हो गया, सच्छास्त्रम, जो सत्य शास्त्र है, सत्य ब्रह्म का को प्रतिपादित करता है वैसा जो शास्त्र है, अध्यात्म आदि, तो अध्यात्म माने अपना स्वरूप जो बताते हैं वैसा, और सद्ब्रह्म बताते हैं वैसे शास्त्र का श्रवण करता है, उसको क्या हो जाता है, तस्य वक्षमाणे रीत्या विवेक जायते, उसमें विवेक उत्पन्न हो जाता है, विचारशील बन जाता है, वो अपने आप बन जाता है, उसमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता। क्योंकि देखिए, आप देखिए, कोई विचार कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है, कोई कहता है, बच्चों को कहते हैं, माता पिता कहते हैं, अरे इसमें विचार नहीं करते क्या, बिना सोचे कर दिया, तो क्या नहीं कर पाया, क्या करें। तो जैसे लोक विषय में भी विचार बिना किए, बहुत सारे प्रयास के बाद, भिन्न भिन्न कार्य करने के बाद विचारशील बनते हैं, वैसे के शास्त्र में भी विचारशील कब बनते हैं, ऐसे पुण्य की प्राप्ति होती है तब जाकर, बहुतों कर्म उपासनों के बाद जाके विचारशील बनते हैं। तो विवेक आ जाए थे, कैसा विवेक उत्पन्न होता है, वक्षमाणे रीत्या, आगे बताएंगे, उस रीति से उत्पन्न हो जाता है विवेक। वक्षमाणे ये क्या है कि से जो है ये बता रहा है कि ये वक्षमाणे ये भी शानच है, किंतु ये वर्तमान शानच नहीं है, ये क्या है कि भविष्यत शानच है, से दिख रहा है यहाँ पे, तो भविष्यत काल आगे बताएंगे। तथा विवेक यस्य भवति स एव जिज्ञासु, और ज्ञातुमिच्छु, जिज्ञासु कौन बनेगा, ऐसा विवेक जिसको उत्पन्न होता है वो जिज्ञासु है। ये हो गए तीन, तो मुक्त तो पता है किंतु बताएंगे तत्र, अभी इसमें ही भेद करते हैं। पहला अंक बताते 53 में ही, जिज्ञासु के लक्षण के बाद बताए, तत्र वैषयिकम सुखम सर्वमपि दुःखम एव इति प्रथमतः विवेक भवति। कैसा विवेक, जो वक्षमाणे रीत्या विवेक जायते, बताया कि ऐसा विवेक उत्पन्न होगा, जो बताएंगे कैसे रीति से होगा, किस प्रकार से होगा, वो पद्धति बता रहे कि कैसे होगा। पहले क्या होता है, कहते हैं तत्र वैषयिकम सुखम सर्वमपि दुःखम एव इति प्रथमतः विवेक भवति। ऐसा विवेक उत्पन्न होता है पहले कि ये जो वैषयिक सुख है, वैषयिक सुख में विषय जन्य सुख जो है, विषय से जो जन्य सुख है, सुख नहीं, ये नहीं कह रहे, सुख तो है क्योंकि क्या है कि अनुभव सिद्ध है, किसी को कहेंगे इसमें कोई सुख नहीं है, उसको तो प्रिय है, सुख तो आ रहा है उसको भी, तो अनुभव को तो आप नकार नहीं सकते, इसीलिए क्या है कि विषय सुख तो है करके पहले मानते हैं, हाँ है, किंतु क्या है, वो सुख नहीं है, दुख है। कैसे दुख है, तो कहते हैं वैषयिकम सुखम सर्वमपि, एक भी नहीं छोड़ रहे, विषय जन्य है क्या, सुख है, हाँ, विषय जन्य है क्या, हाँ, तो दुख ही है, कैसे दुख है, तो बताते हैं प्रथमतः ऐसा विवेक होता है उत्पन्न, तथा ही वो समझा रहे कैसे, तथा ही विषय सुखम सर्वम अनित्यमेव विषय इंद्रिय संयोगजत्वेन आगम पायित्वात्, हेतु के साथ बता रहे कि क्यों क्यों विषय सुख दुख होगा, क्योंकि अनित्य है। तो किसी को बता दीजिए कि सुख तो प्राप्त है, किसी को भी अनुभव सिद्ध है, कहेगा विषय में सुख नहीं है कि कोई नहीं मानेगा, तो अभी उसको पूछिए कि विषय से जो सुख मिल रहा है, कोई भी विषय हो, क्या प्रिय है, ये प्रिय है, बच्चे को पूछेंगे वीडियो गेम प्रिय है, उसको कहेंगे ये तो दुख है, वो तो थोड़ी मानेगा, वो सुख है, किंतु क्या है कि दिन भर खेल रहा है और क्या आंखें जल रही है, तो दुख ही है, सुख नहीं मिलता तभी, आंखें तभी जल रही है, बच्चे को भी कहे कि जब निद्रा आएगी वहीं सो जाएगा, उठते ही कहेगा वीडियो गेम चाहिए, किंतु क्या है कि तभी भी दुख ही है जब ही, किंतु क्या है कि प्रौढ़ों का देखिए, जिसको पसंद है मीठा, मीठा का उदाहरण है, तीखा का उदाहरण है, अधिक खाएगा अच्छा लग रहा है, अंदर या तो अल्सर हो जाएगा खा खा कर तीखा, या काया होगा कि डायबिटीज से नहीं खा पाएगा, या खाते हुए डायबिटीज नहीं, स्वास्थ्य भी है तो भी क्या हो जाएगा कि अधिक खाने से बाहर निकल जाएगा, फिर नहीं जाएगा, और कोई खाए, अरे और एक मेरे लिए खा लो, नहीं खा पाएगा कितना भी प्रिय हो, तो क्या है कि वो इसीलिए अनित्य सुख है, ये तो मान लेगा कोई भी, अनुभव में सुख भी है विषय से, फिर भी अनित्य है तो सभी मानेंगे, और अनित्यमेव विषय इंद्रिय संयोगजत्वेन आगम पायित्वात्, क्यों अनित्य है वो भी कह रहे हैं, विषय और इंद्रिय का संयोग से जन्य है ये, विषय का सुख कैसे है, विषय है किंतु अगर इंद्रिय नहीं है, अगर सुनाई ठीक से नहीं देता, बुढ़ापा आ गया ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, और बहुत ही शास्त्रीय संगीत बहुत पसंद था, अरे हिंदुस्तानी सुनते हैं, कार्नाटिक सुनते हैं, ऐसा प्रिय था, या तो फिल्मी गाने सुनते हैं, अरे पुराने जमाने के क्या गाने थे करके कहने वाले कितने हैं, हम भी है उसमें, तो आजकल के गाने कुछ नहीं है, हमारे समय पर कैसे गाने थे, ऐसे ऐसे गायक थे,
क्योंकि तो क्या है कि सुना ही नहीं देता, क्या क्या करेंगे ऐसे ऐसे गानों का क्या करेंगे। तभी सुख देता था, अभी भी सुख देता है, पर स्मरण कर पाता हूं पर सुन नहीं पाता, क्यों? सुना ही नहीं देता। तो क्या कहेंगे, विषय इंद्रिय संयोग से जो जन्य है उसे आगम पायित्व, आगम माने आता है और अपाई जाने वाला, तो ये आते जाते रहता है। इसीलिए क्या है कि ये सुख कभी भी क्या है कि विषय सुख नित्य नहीं हो सकता। जो आकर रह जाता है वो तो उसको नित्य कहेंगे, पर जो आकर चला जाता है रहता नहीं उसको कैसे नित्य कहेंगे। इसीलिए क्या, सुखम तो सर्वम अनित्यमेव, विषय सुखम, सुखम च वैषयिकम स्वावस्थिति समये अपि यत्किंचित दुखानुषंगी एव भवति। तो अभी पूर्व पक्षी क्या कहेगा, विषय सुख ठीक है अनित्य है पर मुझे चाहिए, मुझे तो वही सुख चाहिए, विषय सुख चाहिए। हाँ ठीक है, मुझे चलेगा कि सुख तो दे रहा है, मुझे सुख में आकांक्षा है, सुख चाहिए, तो नित्य हो ऐसी ऐसी अपेक्षा तो नहीं, नित्य तो हो नहीं सकता। तो वो कहेगा कि अगर अनित्य है, थोड़े समय के लिए सुख दे बस है, हम कहते हैं ना कि थोड़ी नींद आ जाए बस है, आंख नहीं, थोड़ी आंख लग जाए बस, रात भर नींद नहीं आती, बस आधा घंटा आधे घंटे ही नींद आ जाए बस है, उतना ही सुख है। वैसे ही क्या, विषय में भी वैसा ही वैसी अपेक्षा करता है कोई, थोड़ा सुख मिल जाए बस है। तो कहते हैं वैसा अगर है, सुखम च वैषयिकम, अगर अनित्य है ठीक है थोड़ा समय ही मिल जाए, किंतु सुख ही है, दुख क्यों कहते हैं उसको। तो कहते हैं स्व अवस्थिति समये अपि, जब ही सुख का अनुभव हो रहा है कि 5 लड्डू की आपकी कैपेसिटी है, 5 लड्डू खा सकते हैं, एक खाया है, दो खाया, तीन खाए, सुख तो है तभी। तो पूर्व पक्षी कहे 3 लड्डू का सुख मुझे मिल रहा है, चौथा खाने वाला हूं अभी, आप कह रहे दुख है, कैसे दुख है। तो कहते अभी भी क्या है, देखो यत्किंचित दुखानुषंगी एव भवति, उसको अगर बताए देखो पांचवा खा लोगे उसके बाद कहाँ सुख है, तो दुखी हो जाएगा। कि देखिए अभी अब आप देखिए कि बच्चे भी क्या है कि जो पसंद है वो रखकर अंत में खाऊंगा, ये मुझे बहुत प्रिय है करके रखेंगे। और अगर चलिए बच्चा भी अगर 3 लड्डू खाने वाला है, एक खा रहे, दो ही बचे हैं, दो खाकर अरे एक ही बच गया, इसको धीरे धीरे खाऊंगा, तोड़कर खाएगा, ज्यादा समय रह जाए, सभी प्रयास करते हैं, हमको भी अनुभव सिद्ध ही है कि जो प्रिय है ज्यादा समय चल जाए, इसीलिए क्या कि टुकड़ा टुकड़ा कर कर खा रहे हैं, ये थोड़ी देर नहीं अभी खा लिया, 1 घंटे बाद खाऊंगा, थोड़ा तब तक तो क्या इसका सुख थोड़ा लेश रह जाएगा, 1 घंटे के बाद आकर फिर खाऊंगा, ऐसे कर प्रौढ़ भी है, हम भी करते हैं। इसीलिए क्या है कि तभी कहते यत्किंचित दुख अनुषंगी है, दुख कैसा जुड़ा हुआ है, क्योंकि तभी भी उसको पता है कि ये समाप्त हो जाएगा, तभी तो पांचवा खाने के बाद तो बाहर निकलेगा ठीक है, पर तीन ही है, तीन तो मैं खा भी सकता हूं, किंतु ये समाप्त हो जाए उसके बाद चौथा नहीं है मेरे लिए, तो इसीलिए दुख ही है। अनुषंगी माने संबंध है, कुछ अनुषंग है उसके साथ संबंध है, दुख के आघात कोई तो संबंध है इस विषय सुख का, इसीलिए स्विनाशीन अपनी दुख हेतु भवती। समाप्त हो गए, तीनों लड्डू खा लिए, अभी नहीं मिलने वाला है, अगला जो भी देखेंगे नवरात्रि तक रुकना पड़ेगा मुझे, गणेश चतुर्थी होगी अभी नवरात्रि में मिलेगा, तब तक कुछ नहीं है, इसीलिए क्या है कि दुख का हेतु ही बनेगा। किंच वैषयिकम सुखम अनुभव दशायाम अपि इतः परम ईदृशम सुखम क्षीयेत किल इति व्याकुलता उत्पादनेन अपि दुख निदानम एव। दुख निदान, निदान माने कारण, दुख का कारण ही है, क्या दुख का कारण है, देखिए स्वविनाशेन अपि दुख हेतु भवति, अपने विनाश से समाप्त हो गया इसलिए दुख का हेतु बन गया, सुख जो प्रदायक विषय है वो भी समाप्त हो जाएगा इसीलिए दुख का हेतु, या समाप्त हो गया इसीलिए दुख का हेतु बनता है। किंच वैषयिकम सुखम, जो विषय सुख विषय जन्य सुख है वो अनुभव होता हुआ भी क्या, इतः परम ईदृशम सुखम क्षीयेत, इसके बाद नहीं रहेगा, तीसरे लड्डू के बाद नहीं रहेगा, इसीलिए खाते समय भी दुख ही है, ये तो हमने देखा। इति व्याकुलता उत्पादनेन अपि, ऐसी व्याकुलता होती है अरे समाप्त हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, कोई प्रिय मित्र आया है अरे 10 वर्ष के बाद मिले किंतु अरे जाना है, तो दुख तो है, एयरपोर्ट छोड़ने गए हैं, रेलवे स्टेशन छोड़ने गए हैं, बस अड्डे गए हैं, किंतु क्या है अरे 5 मिनट है बात कर लेते हैं, किंतु क्या है उसके बाद दुख ही है। अभी तो वैसा नहीं रहा, चलिए वीडियो है, जूम है, ये है, सब है, वर्ल्ड है श्रंक, तो पहले का काल देखिए आप जब भी कि
टेलीग्राम इत्यादि से संपर्क होता था, ये टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं, जो चिट्ठियां इत्यादि से, तब देखिए अभी तो क्या है कि वो सब नहीं है, वीडियो कॉल इत्यादि है, इसीलिए उतना उतनी भावना नहीं रही, किंतु है, पूरा नहीं गई है किंतु है, तो इसीलिए समझ सकते हैं हम कि व्याकुलता होती है, इसीलिए उससे दुख का कारण ही बनता है, दुख निदानम एवं च वैषयिकम सुखम सर्वम दुखे न कबलीकृतम ये वर्तते। इसीलिए जो वैषयिक सुख है उसमें दुख है, उसमें भी दुख है, इसीलिए के दुख से कबलीकृतम माने उससे निगला गया है कि निगल लेता है, दुख जो है वो सुख को, वैषयिक सुख थोड़ा भी हो वो दुख की चिंता खा जाती है, उस सुख को भी खा जाती है, देती नहीं है सुख, इसीलिए क्या है कि दुख होगा, इसीलिए क्या है कि बहुत सारे देखिए जिनको बुरा अनुभव है पेसिमिस्टिक कहते हैं, किंतु उनकी दृष्टि से देखिए उनको इतना इतना सारा माने कि शनि चल रहा है कि कभी भी क्या है कि कुछ भी करते हैं, कितना भी प्रयास लगाते हैं मुंह पे बल ही गिरते हैं, तो मुंह के बल जो गिर रहे हैं उनका अनुभव है, उनको आप कहेंगे अरे ऐसे मन में रखो कि ये हो सब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत सारा पॉजिटिविटी देते, ये है वो ऑप्टिमिस्ट भी ऑप्टिमिस्टिक, बहुत सारे सुबह सुबह 50 फॉरवर्ड भेज देंगे, ये होगा वो होगा ऐसा है फूल इत्यादि, कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि उसके दृष्टि से क्या है कि मैं मुंह पे गलत कुछ भी कर लू ऐसे, मेरा तो भाई ऐसा ही है प्रारंभ, कुछ गलत नहीं है उसमें, देखिए उसका 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 अनुभव ऐसा, आप क्या कर सकते हो उसके लिए, उसको पेसिमिस्टिक कर, अरे छोड़ो यार मुझे भी सुबह सुबह खुश था, इसका मुंह देख लिया, उसका मुंह देखते ही मेरा भी मूड बिगड़ गया, कहने वाले बहुत है, इसीलिए क्या यार उससे बात नहीं करता हूं मैं, अच्छा मेरा चल रहा है उसमें वो दुख जोड़ देता है, ऐसे भी है लोग, इसीलिए क्या है कि कबलीकृतम खा जाता है, मेरा सुख भी वो खा जाता है, ऐसा डिप्रेसिंग मैंने नहीं देखा करके उससे दूर रहो, ऐसे कहने वाले हैं। तो तस्माद विषय जन्यम सुखम वस्तुतः सुख स्वरूपमपि विषय उपाधि संबंधा दुखमेव, अपना हो दूसरे का हो विषय सुख जो है उसमें क्या है कि दुख जुड़ गया है, इसीलिए क्या है वो सुख भी खा जाएगा, और विषय जन्य सुख जो है वस्तुतः उसका स्वरूप क्या है देखेंगे तो सुख स्वरूपमपि होता हुआ भी क्या है विषय उपाधि संबंधा दुखमेव, विषय की उपाधि से जन्य है वो सुख, इसीलिए विषय क्या है उसमें सुख जो है आप देखिए विषय सुख जो है ये समास भी देखेंगे उसमें दो पद है, स्वरूप से विषय सुख सुख स्वरूप ही लगता है, किंतु क्या है विषय हटा देंगे सुख हटा देंगे, सुख जो है ना ये अपना आत्मा का स्वरूप है, और विषय में प्रतीत हो रहे विषय आगम पाई है और सुख उससे जुड़कर आगम पाई लग रहा है, इसीलिए क्या है कि विषय जो है ये स्वरूप सुख को दुख रूप बना दे रहा है, तो हटाकर देखेंगे तस्माद विषय जन्यम सुखम वस्तुतः सुख स्वरूपम भी, वस्तु तो आत्मा का स्वरूप ही है, किंतु क्या है विषय की उपाधि से संबंध होता है, विषय उसकी उपाधि बन रही है, इसीलिए क्या हो रहा है उस विषय उसको दुख बना दे रहा है, क्योंकि विषय तो नहीं रहेगा, विषय तो अनित्य ही है, तो सुख जो आत्मा का सुख जो है स्वरूप सुख जो है ब्रह्म आत्मा रूप स्वरूप जो सुख रूप है वो नित्य है, किंतु विषय से जुड़ा हुआ वो सुख प्रतीत अनुभव में जो आ रहा है विषय अनित्य होता हुआ विषय के दोष होते हुए सुख को दुष्ट बना दे रहा है, इसीलिए सुख दुख हो रहा है उपाधि के संबंध से, इसीलिए क्या कह रहे हैं विषय उपाधि संबंधा दुखमेव ये भवति सर्वदा दुखमेव, तो यहाँ पे हटा दिए दुखमेव भवति सर्वदा करके जोड़ दीजिएगा, सर्वदा वैसे ही होगा बराबर है ना, 32 के बाद 33 आया ना, 32 और 33 तो वैसे ही कॉमा करके सब, तो भवति सर्वदा वहां पे वो ठीक नहीं है, न च एतद् दुःखं केनचिदपि लौकिक उपायेन परिहर्तुं शक्यते, तो उसके लिए कोई उपाय है, पहले उपाय बहुत सारे बताए, रोग ग्रस्त है तो वो हटा दीजिए, तो विषय का जो सुख है वो जो दुख बना रहा है सुख को उसको कैसे हटाएंगे, कोई लौकिक उपाय नहीं उसके लिए, कहते हैं सिद्धांती कह रहा है न च एतद् दुःखं, ऐसा जो दुख है जो सुख में भी दुख है, दुख तो दुख ही है किंतु अनुभव माने विषय दुख तो विषय दुख ही है, कि ऐसा विषय है मुझे नहीं चाहिए किंतु मेरे पास है तो हटाना चाहते हो, इसलिए विषय दुख उत्पादन कर रहा है, दुख की उत्पत्ति दे रहा है, वैसा दुख मुझे नहीं चाहिए तो विषय हटाना पड़ेगा, तो वो तो दुख ही है, किंतु सुख जो अनुभव सुख का जो अनुभव हो रहा है विषय सुख का विषय अनुभव से वो भी कहे दुख रूप ही है बताया, तो इसीलिए कहे वैसा जो दुख है जो दुख
विषय दुख में भी दुख है, विषय सुख में ही दुख है, ऐसा जो दुख है। बौद्ध क्या कहते हैं, सर्वम दुखम करके कहते हैं, सभी दुख दुख ही ये कहते हैं, उनके लिए आत्म सुख भी नहीं है, वो भी दुख ही ये कहते हैं। इसीलिए बहुत सारे जो क्या कहते हैं उनका जो ये है, ये मौन करते हैं 10 10 दिन, क्या कहते हैं उसको, स्मरण नहीं आ रहा है, वकार से कुछ है बौद्धों का, स्मरण नहीं है, जो भी है। तो बौद्धों का जो ध्यान इत्यादि कर कर आते हैं, सात सात आठ आठ 10 10 दिन, 2 सप्ताह वगैरह कैंप चलता है, वैसे सब करके आते हैं। वही, विपश्यना हाँ, विपासना, विपश्यना, तो विपश्यना, धन्यवाद। तो ये स्मरण नहीं आ रहा था, बहुत से कुछ है, तो विपश्यना करके आते हैं। वो भी क्या कहते हैं कि अगर उनके उन्होंने जैसा पढ़ाया वैसा कर दिए तो सुख नहीं उत्पन्न हुआ, तो कहते हैं कि सुख नहीं, सुख की प्राप्ति नहीं, क्योंकि सर्वम दुखम, क्योंकि सब विषय में ही देख रहे हैं, आत्मा है ही नहीं, आत्मा अगर है ही नहीं उनके लिए तो कैसे सुख उत्पन्न होगा। जिनको उत्पन्न हुआ उनको आत्मा का सुख हो रहा है, किंतु उस विषय से नहीं हो रहा, उनको भी पता है। तो क्या है कि कोई भी उपाय से वो नहीं जाएगा, परिहर्तुम न शक्यते, न जुड़ जाएगा वहां पे। उपाय अन्वेषण कुशलस्य अपि निःशेष दुख निवृत्ति है अदर्शनाथ। क्यों क्यों दूसरे कोई उपाय से परिहार नहीं हो सकता इसका, दुखने से दुख का? तो कहते उपाय अन्वेषण कुशलस्य अपि, जो उपाय ढूंढ रहा है, पूर्व पक्षी ऐसे ऐसे उपाय ढूंढ रहा है, इसके लिए ये तोड़ है, उसके लिए वो तोड़ है, फिर भी क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? निःशेष दुख निवृत्ति है अदर्शनाथ, चला जाए अभी दूसरा आ जाएगा, ऐसे जाति का नहीं है, दूसरे जाति का दुख आ जाएगा। इसीलिए क्या है कि दुख हमने देखा है कभी भी निशेष नहीं जाएगा, कि दुख है ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। जो ज्ञानी भी है, जीवन मुक्त भी कहते, उसको भी क्या है कि शरीर की पीड़ा तो है ही है, शरीर में अगर है, शरीर बूढ़ा है तो शरीर की पीड़ा तो होगी। भगवान रमण महर्षि को भी कहे कैंसर तो था ही था, वो बात भिन्न है कि वो सहज समाधि में रहते थे, इसीलिए उनका जो ऑपरेशन भी किया, काटा भी, तभी भी वो कह रहे थे कि आपको क्या लगता है मुझे इसकी पीड़ा नहीं है, है पीड़ा, किंतु प्रकट नहीं करते थे, कि प्रकट उससे हट गए थे, उससे हट गए थे, आत्मा शरीर से भिन्न उसमें रहते थे, किंतु ये सहज नहीं है। इसीलिए क्या है कि ज्ञान मात्र एक ही उपाय है, क्योंकि आत्मा शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, इस ज्ञान से पीड़ा तो होगी, किंतु क्या है कि ये पीड़ा, इस पीड़ा से हटने के लिए भी बहुत प्रयास करना पड़ता है। इसलिए जीवन मुक्ति विवेक में कहा है कि उसके लिए ज्ञानी को क्या करना चाहिए, प्रारब्ध में क्या है पता नहीं, ज्ञानी के भी, ज्ञानी भी नहीं जानता, सिद्धि नहीं होगी, तो ज्ञानी भी ये नहीं जानता कि मैं आत्मा तो हूं, परमात्मा हूं, किंतु क्या है कि ये शरीर कब तक टिकेगा उसको नहीं पता, और शरीर का प्रारब्ध क्या है वो तो होगा ही होगा, प्रारब्ध तो नहीं जाता, तो शरीर का जो प्रारब्ध है, ज्ञानी शरीर से ना जुड़े, किंतु शरीर ज्ञानी से जुड़ा हुआ होता है, शरीर का, शरीर की सत्ता ही ज्ञानी से, आत्मा से। इसीलिए क्या है, शरीर जुड़ा हुआ है, शरीर पीड़ा उत्पन्न करेगा ही करेगा अंतकरण में, और उससे जुड़ना या नहीं जुड़ना, उसके लिए प्रयास करना है नहीं करना है, वो ज्ञानी करे नहीं करे, उसके लिए अगर अनुभव ज्ञान में रहना है, ब्रह्म में रहना है, और ब्रह्म में नहीं रह पा रहा हूं, इसलिए नहीं रह पा रहा हूं कि शारीरिक पीड़ा है। जैसे साधारण उदाहरण ले लीजिए, आपको भी जितना भी आपने वेदांत का अभ्यास किया है, किंतु क्या होता है, प्रारब्ध में अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पाठ में नहीं आ सकते, अगर पाठ में आना है, स्वास्थ्य ठीक है, किंतु और कुछ हो गया, मुझे देखिए स्वास्थ्य ठीक नहीं, बहुत सारे बार मैं पाठ रद्द कर देता हूँ, आज नहीं होगा, आज नहीं होगा, बहुत बार तो कारण देकर थक जाता हूं, मैं कहता हूँ आज कारण भी नहीं दूंगा, नहीं हो पाएगा, मेरा प्रारब्ध है, और मेरा ही नहीं, सबका प्रारब्ध जुड़ा होता है, पाठ में समष्टि ही प्रारब्ध जुड़ा होता है, तो आपका प्रारब्ध हो, मेरा प्रारब्ध हो, सभी के प्रारब्ध से कहे आज पाठ नहीं होगा, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, इच्छा तो सभी को है, करना है, पर नहीं हो पाता। कभी कभी कोई किसी को लगता है कि चलिए आज हो रहा है, पाठ होते हुए इंटरनेट बंद हो गया, हम क्या कर सकते हैं, कुछ, कोई कुछ नहीं कर सकते, तो ये सब क्या है कि प्रारब्ध आगे आएगा अंत में, इसमें तो प्रारब्ध, ज्ञानी का प्रारब्ध कैसा होता है वो समझाएंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, उसमें भी प्रकार समझाएंगे, प्रकृत प्रारब्ध इत्यादि। तो ये क्या है कि प्रारब्ध का तो ज्ञानी भी कुछ नहीं कर सकता, और करना चाहिए ऐसा नहीं है, किंतु क्या है कि अगर
अभी आप सोचिए, आगे चलते 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 जब ही हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया और उसी में रहना है, निष्ठा, निध्यासन कहते हैं, निष्ठा में भी ऐसी बाधा आएंगी, जैसे पाठ में बाधा आ रही है, श्रवण में बाधा आ रहा है, मनन में बाधा आ रहा है, कोई आ गया घर पे उसी समय, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कितने सारे दिन भी पाठ रुक सकता है, महीनों भर, कोई घर में बीमार है, इसकी मृत्यु हो गई, कहीं आपसे जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, क्या कर सकते? कुछ नहीं, उसमें वो तो धर्म कार्य करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है कि उस समय भी जब भी ब्रह्म में ही रहना है, निष्ठा है, निष्ठा चाहिए, उसका प्रयास चल रहा है, सुख का अनुभव भी है उसमें, किंतु क्या है कि प्रारब्ध के वश से नहीं रह पाते, तब जाकर जीवन मुक्ति हुई। तुम्हें कहा गया कि क्या करना चाहिए, इसीलिए क्या है कि जितना हो सकते शरीर तो नहीं हटा सकते, शरीर से जो जुड़ा हुआ है वो हटा सकते, इसीलिए संन्यास की विधि दी गई, इस उसको संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि क्या है कि बाकी तो बाधा आएंगी आएंगी। इसीलिए गृहस्थ जो है, वो जो घर में रह रहा है, ब्रह्मचारी जिसको और कोई काम नहीं है, केवल वेद का अभ्यास करना है, और वानप्रस्थ जो है उसको क्या है, उपासना छोड़कर कर्म भी उतने नहीं है, क्योंकि उसको क्या है, संपादन, कुछ धन इत्यादि संपादन नहीं करना है, उसको केवल अधिक उपासना रह जाती है, केवल नित्य कर्म रह जाता है, नैमित्तिक कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म रह जाते हैं, उसको कोई काम्य कर्म करना नहीं है, बाकी कोई कर्म करना नहीं है, और क्या है कि दान इत्यादि भी करना नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि वो अपना जीवन वन में जो है उस पर जीवित रह सकता है, दूसरा कुछ कार्य नहीं है। संन्यास किसके लिए, कि उसे वो भी नित्य नैमित्तिक कर्म भी नहीं है, कभी कभी क्या हो जाता है कि स्वास्थ्य ऐसा ठीक नहीं रहता है कि नित्य नैमित्तिक कर्म का विचार भी नहीं आता, करना तो बहुत दूर, संध्या वंदन करना ये विचार भी नहीं आता, क्योंकि क्या होता है कि मन ही ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, तो मन मन को भी खींच लेता है, इसीलिए क्या है कि तभी संन्यास की विधि दी गई है उसके लिए, जिसको पता है कि मैं ब्रह्म हूं, उसको संन्यास ले लेना चाहिए, या तो और किसी में रुचि नहीं है उसको भी ले लेना चाहिए, विविदिशा संन्यास क्या है। इसीलिए कहा है कि निशेष दुख निवृत्ति, तो बाकी कोई उपाय से नहीं हो सकती, अगर आप उपाय ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, उनको प्रारब्ध किसी को नहीं छोड़ेगा, उसमें भी सन्यासी भी जीवन मुक्त भी हो तो भी नहीं, ज्ञानी मात्र हो या जीवन मुक्त हो, उनको प्रारब्ध तो होगा, किंतु अगर आनंद की प्राप्ति चाहिए, जीवन मुक्त का लक्षण क्या कहा गया, लक्षण जीवन मुक्ति विवेक में कहा, जिसको अनुभव है आनंद का, ब्रह्मानंद प्राप्ति हो जिसको, और ब्रह्मानंद प्राप्ति जिसको दुख न हो, उसके लिए समाधि एक उपाय बताया है, समाधि का अभ्यास करें, और ये योग समाधि ही है, ब्रह्म में ही रहे, ब्रह्म का ही चिंतन के मन का लय हो जाएगा उसमें, उसको समाधि ही कहेंगे। तो वेदांती क्या कहते हैं, हम शुद्ध वेदांती हैं, हम योग समाधि नहीं मानते। अरे मत मानो, मन तो मानेगा, आप भले ही नहीं माने, बुद्धि जब तक चल रही है तब तक माने, कहे कि हमारी वेदांत समाधि योग समाधि से भिन्न है, अरे भिन्न ही रखो, किंतु मन का क्या करेंगे, मन तो लय हो जाएगा उसमें, क्या करेंगे उसमें, तो योग समाधि होगी, उसको आप योग समाधि बोलो, वेदांत समाधि बोलो, मन का स्वभाव है कि आप जिस विषय पर ध्यान लगा रहे हो, अगर निद्रा में नहीं गई तो, और मन जागृत नहीं हुआ तो विषय में लय हो जाएगा, आपका विषय ब्रह्म है, महावाक्य है, महावाक्य में लय हो जाएगा, उसको वेदांत समाधि कहेंगे, योग समाधि से भिन्न नहीं है, योग में भी अगर विषय महावाक्य हुआ तो उनकी समाधि और वेदांत समाधि में कोई भेद नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है कि ये उपाय है कि ज्ञान से ही प्राप्त होगा, निवृत्तम इव च सदपि पुनरुत्पद्यते एव, ये तो हमने देखा कि निवृत्त हो गया तो भी क्या होगा कि पुनः उत्पन्न होगा। दूसरे अंक में कहते, तथा यावत् शरीर स्थिति दुखम न निवर्त्येत इति विवेको भवति, उसके बाद क्या होगा कि पहले तो क्या कि विषय सुख सब दुख ये हो गया निर्णय, दूसरा क्या होगा उस विवेकी को, क्या होगा, कैसे विवेक की पद्धति बताएगी, कैसे विवेक जाए, तो कहते यावत् शरीर स्थिति ही दुखम न निवर्तित, जब तक शरीर है तब तक दुख तो नहीं जाएगा, जीवन मुक्त को भी नहीं जाएगा, ऐसा विवेक हो जाएगा, न वही सशरीर से सतः प्रिया प्रियो हो अपहति रस्ती अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, ऐसे छांदोग्य थी, छांदोग्य के मंत्र बताते हैं कि न वही सशरीर से सता कि शरीरेण स वर्तते इति सशरीर तस्य सशरीर से, जिसका शरीर है उसको कोई भी हो, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, उसका सतः वैसे पुरुष का या वैसे
मनुष्य का प्रिया प्रिय को कानी को सशरीर से सतहा वही न वही प्रिया प्रियो अपहति रस्ती, प्रिय और अप्रिय नहीं जाएगा। तो प्रिय है सुख देगा, अप्रिय है दुख देगा, ऐसे चलता ही रहेगा जब तक शरीर है। और अशरीरम वा वसंतम न प्रिया प्रिय सुषतः, और शरीर नहीं है तब जाकर प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करेंगे। इति शरीर मात्र से पुण्य पाप फलत्वात्। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि शरीर मात्र ही पुण्य और पाप का फल देता है। क्योंकि क्यों है? शरीर का लक्षण क्या है? स्थूल और सूक्ष्म शरीर का। स्थूल शरीर क्या है कि अधिकरण बनता है कर्म का, और पुण्य और पाप से जन्य जो है, माने कर्म का माने पुण्य और पाप का करने के लिए अधिकरण क्या है? स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर उसके भोग का आयतन है। पुण्य और पाप का जो फल है सुख और दुख, उसका भोग का आयतन अधिकरण क्या है? सूक्ष्म शरीर है। तो दोनों क्या है? पुण्य और पाप के लिए बने हुए, स्थूल शरीर हो कर्म के लिए और सूक्ष्म शरीर हो भोग के लिए। मोटा मोटा दोनों में सूक्ष्म शरीर का के स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों भोग के लिए भी है और कर्म के लिए, दोनों कर्तृत्व भोक्तृत्व के लिए दोनों चाहिए। किंतु अगर आप देखेंगे प्रधान क्या है वो देखेंगे, तो स्थूल शरीर कर्म करने के लिए और सूक्ष्म शरीर भोग करने के लिए उसका आयतन बनता है। शरीर मात्र से पुण्य पाप फलत्वात्। पुण्य पाप फल जिसका है वो हो गया शरीर मात्र। तो ये पुण्य पाप से जन्य भी है शरीर, और पुण्य पाप के लिए भी है, दोनों रूप से समास हो सकता है। ये शरीर अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सुख दुख संबंध तदभाव श्रूये थे। तो क्या शरीर अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, शरीर के होने से अन्वय और ना होने से, इसको अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। तर्क में क्या कहते हैं? अन्वय व्यतिरेक। अन्वय माने ये है इसीलिए वो भी है, और व्यतिरेक माने वो नहीं है इसीलिए ये नहीं, ऐसे जो कहते हैं। तो जहां वन्नी है वहां पे क्या है कि धूम हो ना हो, किंतु जहां जहां धूम है वहां वन्नी है, इसीलिए क्या है? धूम होते हुए वन्नी भी है, वन्नी और धूम का अन्वय बन गया। वन्नी होगी धूम होगा तो क्या है कि हमने बार बार देखा, तो इसीलिए क्या है? एक दूसरे का कारण बन जाए। कौन सा किसका कारण है? विचार के बाद पता चलता है कि वन्नी तो बिना धुएं के भी हो सकती है, आग तो हो सकती है बिना धुएं के, किंतु धुआं बिना आग के नहीं हो सकता। इसीलिए क्या है कि आग धुएं का कारण है, और जहां जहां धुआं है वहां आग तो होनी चाहिए, ऐसा अन्वय बन जाता है। और व्यतिरेक क्या है? जहां बन्नी नहीं है वहां आग नहीं है, वहां पे धुआं भी नहीं हो सकता। जहां जहां धुआं है वहां अग्नि है, बन्नी है, ये अन्वय हो गया। और जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं नहीं हो सकता, ये हो गया व्यतिरेक। इसीलिए शरीर और क्या है पुण्य पाप फल, इनमें भी संबंध हो गया। शरीर होगा तो पुण्य पाप करता ही रहेगा कोई, और पुण्य पाप जब तक है वो तब तक शरीर भी रहेगा, आते ही रहेगा। इसीलिए क्या पुण्य पाप का जब तक नाश नहीं होता तब तक अगला शरीर नहीं आएगा नहीं कह सकते, और शरीर है किंतु पुण्य पाप नहीं होगा ऐसा भी नहीं कह सकते। इसीलिए क्या शरीर में और पुण्य, शरीर और पुण्य पाप के बीच में अन्वय व्यतिरिक संबंध बन गया। शरीर नहीं होगा तो पुण्य पाप नहीं होगा, और पुण्य पाप नहीं होगा तो शरीर नहीं होगा, इसीलिए दोनों में अभी क्या संबंध है? ये तो सिक्लिकल है, यानी एक दूसरे पे अनादिकाल से, इसीलिए वन्नी और आग जैसा संबंध नहीं बनता। यहाँ पे बीज और वृक्ष जैसा संबंध है, जब तक बीज है तब तक वृक्ष आएगा, और जब तक वृक्ष है तब तक बीज भी आता रहेगा, इसीलिए वैसा संबंध है इसमें, एक दूसरे के लिए कारण बन रहे हैं। किंतु जो जीवित है वो क्या कहेगा? शरीर है इसीलिए सुख दुख तो होना ही है, ऐसा नहीं कहेगा सुख दुख है पुण्य पाप है इसीलिए रहेगा। पर सुख दुख देखेंगे तो उससे क्या है कि सुख दुख से शरीर की उत्पत्ति नहीं कहेंगे, तो उसमें हम क्या कहेंगे कि शरीर जब तक है तब तक सुख दुख होगा, और शरीर नहीं होगा तो सुख दुख भी नहीं होगा। तो इसलिए सुख दुख का संबंध तदभाव श्रूये थे। सुख दुख, सुख और दुख के साथ संबंध जो है शरीर के संबंध के साथ ही जुड़ा हुआ है। यार रुक जाते, ये लंबा जो अगला वाला पैराग्राफ है वो देखिए अगले पार्ट में। कोई प्रश्न है क्या? आज का तो कैसे का सामान्य था। सामान्य
सुखम नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूप अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर दृप्यत्वं पारं सर्वेदांत वेद्यं प्रत्येक परम महा तदेव आनंदमत्तो नमस्ते। अगले पाठ में मिलते हैं।